घोर भक्ति, कीर्तन और भजन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे प्रिय पहर की भक्ति है। मैं विशाल करवल आप सभी दर्शकों का इस व्रत कथा की श्रृंखला में स्वागत करता हूँ। आज बुधवार के व्रत की महिमा के बारे में जानेंगे। भोर के दिव्य काल में बुधवार का व्रत आरंभ होने का अपना ही महत्व है। कहते हैं कि विट्ठल भगवान कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस तरह बुधवार के व्रत के माध्यम से कृष्ण और विष्णु दोनों देव रूपों की आराधना होती है। बुधवार के दिन गोकुलवासी हरे मुरारी श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और सिमरांध आदि क्षेत्रों में उनके विट्ठल रूप की पूजा होती है। बुधवार का दिन ब्रह्मांड के लिए बुध ग्रह को समर्पित है। हरा रंग बुध की पहचान है, इसलिए तो विट्ठल की पूजा अर्चना में हरा रंग प्रयुक्त होता है। उनकी मूर्ति पर हरी पत्तियां रखते हैं, तुलसी अर्पित करने की भी परंपरा है और बुधवार को उपवास रखने का उद्देश्य है सुख शांति की प्राप्ति। बुधवार का ये उपवास पति और पत्नी दोनों रखते हैं। इस उपवास में व्यक्ति केवल दोपहर को भोजन करता है और हरा रंग पहनना शुभ होता है। इस उपवास से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। उपवास के मौके पर लोग संध्या काल को बुध व्रत की कथा भी सुनते हैं। प्रेम की वृद्धि और संतान में सद्बुद्धि की प्राप्ति ही इस व्रत का सबसे बड़ा फल है। यहाँ वक्त है एक अंतराल का। कौन से भक्त ने भगवान विट्ठल को ईंट पर खड़े रहने को कहा, ये मैं आपको लौट कर बताऊंगा। आप इस भक्ति गीत का आनंद लें। घोर भक्ति की व्रत कथा में आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र का पंढरपुर विट्ठल की ऐतिहासिकता समेटे हुए है। विट्ठल नाम लोकमानस से उपजा शब्द, ये विष धातु से बना है जिसमें समष्टि का भाव है, जिसका अर्थ है प्रविष्ट होना। इससे बने विश्व का अर्थ है सब कुछ, सार्वलौकिक सार्वकालिक। इन्हें विठोबा और पांडुरंग भी कहा जाता है। पंडरी, पंडरीनाथ, पांडुरंग, विट्ठल, विट्ठलनाथ आदि नामों से पुकारा जाता है। पंढरपुर के उनके मंदिर में उनके रूप की सबसे अधिक प्रतिष्ठा हुई है। विट्ठल की प्राचीनता 784 युगों से अधिक बताई जाती है। उनके एक भक्त पुंडलिक की कथा ही इस श्रद्धा भक्ति का आधार है। पुंडलिक अपने माता पिता से बहुत अनुराग रखते थे, लेकिन कृष्ण के भक्त थे। कहते हैं कि जिस प्रकार भक्त प्रहलाद के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, उसी प्रकार भक्त पुंडलिक के लिए भगवान कृष्ण ने विट्ठल का अवतार लिया। माता पिता के भक्त की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान कृष्ण स्वयं पंढरपुर आए और पुंडलिक को दर्शन दिया। लेकिन पुंडलिक तब तक अपने पिता की सेवा कार्य छोड़ नहीं सकते थे जब तक कि उन्हें नींद ना आ जाए। इसलिए उन्होंने कान्हा को दहलीज पे ही खड़े रहने को कहा और ईंट की ओर संकेत किया। इतने लंबे समय से श्री विट्ठल अपने भक्त की दहलीज पे प्रतीक्षा में कमर पे हाथ रखकर खड़े रहे कि शायद उन्हें कोई बैठने के लिए कहेगा, लेकिन भक्त ने कहा ही नहीं। भक्त पुंडलिक के दी हुई वीट अर्थात ईंट पर खड़े रहे, इसलिए विट्ठल नाम पड़ा, क्योंकि ईंट को मराठी भाषा में वीट कहते हैं। श्री विट्ठल की मूर्ति थोड़ी भिन्न है। विट्ठल चार भुजाओं वाले ना होकर दो भुजाओं वाले हैं और उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है और दोनों हाथ कमर पे रखे हुए हैं। एक हाथ में ज्ञान का प्रतीक शंख है तो दूसरे हाथ में पवित्रता का प्रतीक कमर। कहते हैं कि ईंट पे खड़े विट्ठल खड़े ही रहे, क्योंकि पुंडलिक पिता की नींद के लिए प्रतीक्षारत थे और अंत में प्रभु ने उन्हें मोक्ष देने की घोषणा कर दी। लेकिन आज भी मान्यता है कि पुंडलिक की इच्छा के अनुरूप प्रभु उसी वीट यानी ईंट पे खड़े हैं और समस्त जगत को दर्शन दे रहे हैं, जिसका बुधवार व्रत के साथ फल कई गुना बढ़ जाता है। व्रत महिमा जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक अंतराल के पश्चात। अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्री विट्ठल का दर्शन उनकी मूर्ति के चरणों में सिर रखकर किया जाता है। छुआछूत, जाति भेद, वर्ण भेद, लिंग भेद कुछ भी उनकी आराधना के आड़े नहीं आता। तभी तो अलग अलग समुदायों से उपासक संत हुए। साफ्ता, गोरोबा, नामदेव, चुखोबा, नरहरि, जनाबाई जैसे भक्तों को संत का सम्मान मिला। वारी के लिए लोग हर साल पंढरपुर जाते हैं, जो कि एक व्रत उपासना है, आचार संहिता है। अनेक लोग भजन करते हुए पंढरपुर तक जाते हैं। पंढरपुर में आषाढ़ मास की देवशनि एकादशी के दिन महाकुंभ के समान महायात्रा का आयोजन होता है। उसमें सम्मिलित होने के लिए
लोग समूह में भजन करते हुए पंडरपुर की पैदल यात्रा करते हैं और लाखों लोग पहुंचते हैं। विट्ठल की पूजा और व्रत को आत्मा से निभाने वाले उन लोगों की भावना देखते ही बनती है। विट्ठल मंदिर में देवी रुक्मणी के साथ विट्ठल को स्थापित किया गया है। देवशयनी एकादशी पर देश के कोने कोने से पताका डिंडी लेकर श्री क्षेत्र पंडरपुर पहुंचने के बाद विट्ठल भगवान का दर्शन करना मुख्य होता है। फिर चंद्रभागा नदी में स्नान, पंदरी नगरी की प्रदक्षिणा और हरि कीर्तन भजन प्रवचन भी साथ में होने वाला उपक्रम। वारी महायात्रा के लिए एकादशी सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन वारकरी उपवास रखते हैं और विट्ठल और रुक्मणी की पूजा कर दूसरे दिन संकीर्तन सुनने के बाद प्रसाद लेकर उपवास छोड़ते हैं। पंडरपुर में हर साल कौन से चार त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, जानेंगे एक अल्पविराम के बाद। अल्पविराम के बाद आपका स्वागत है। पूर्णिमा के दिन गोपाल काला कीर्तन का कार्यक्रम होता है, उसी के प्रसाद से बारी का समापन होता है। छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं ने आषाढ़ी बारी के लिए विशेष दान दिया था। इस विशेष स्थल पर हर साल चार त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। आषाढ़, कार्तिक, माघ और श्रावण महीने में सबसे अधिक तीर्थयात्री एकत्रित होते हैं और आषाढ़ी एकादशी को महापूजा की परंपरा आज भी वैसे ही है। पंडरपुर में वारी संत ज्ञानदेव के समय से भी पूर्व से चली आ रही इस 1100 वर्ष से पुरानी परंपरा के प्रति लोगों के उत्साह और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। जनमानस की अगाध आस्था का इससे सुंदर नमूना अन्यत्र शायद ही मिले और लोग विट्ठल की महिमा को गांव-गांव में गाते मिलते हैं। बुधवार को विट्ठल के दिन से जाना जाता है और विट्ठल की प्रतिमा का रंग काला है। हरे रंग को शुभ बनाने वाले विट्ठल और लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुधवार व्रत को राहु से मुक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है, लेकिन जब स्वयं विट्ठल प्रसन्न हो जाएं, तो राहु केतु जैसे ग्रह वैसे ही सहायक की भूमिका में आ जाते हैं। वो विट्ठल भक्ति में ही सारे दुखों से मुक्ति है। कल गुरुवार के दिन मैं सुनाऊंगा गुरु की महिमा। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते।